Assalamualaikum students and good morning. How are you all? Hope you're fine at your home. I am your science teacher, Ms. Rabia Maleen Rajput. As in the previous lecture, I told you about chapter number 1, ourselves. So today, we are going to start our new chapter, that is chapter number 2, world around us. In this chapter, you will study about the world and its surroundings. So first we have environment and interaction. एनवायरमेंट एंड इंटरेक्शन मीन्स कि आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो उनका एक दूसरे से क्या लिंक है, एक दूसरे से क्या इंटरेक्शन है. तो फर्स्ट द टर्म एनवायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज वन सराउंडिंग. एनवायरमेंट हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ की सराउंडिंग को, यानी किसी वन सराउंडिंग मीन्स किसी की सराउंडिंग को. इट इंक्लूड्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल हैबिटेट्स दैट सराउंड अस. और इसमें हमारे पास फिजिकल एंड बायोलॉजिकल दोनों हैबिटेट्स हैं जो कि हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं. वी कैन फील देम बाय आवर सेंसेस ऑफ साइट्स, टच, स्मेल, टेस्ट एंड हियरिंग. और हम इन लाइक यू कैन से फिजिकल और बायोलॉजिकल हैबिटेट्स और हमारे जो सराउंडिंग है इसको फील कर सकते हैं बाय आवर सेंसेस, लाइक साइट, देखना, टच, फील करना, टच छूना, स्मेल छूना, टेस्ट जो है वो जायका एंड हियरिंग बाय लिसनिंग. मीन्स कि ये आपकी फाइव सेंसेस हैं जिनके थ्रू हम अपनी सराउंडिंग को फील कर सकते हैं. देन वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. लाइक वी हैव टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक. सो फर्स्ट वी विल नो अबाउट द बायोटिक एबायोटिक एनवायरनमेंट, दैट व्हाट इज एबायोटिक एनवायरनमेंट. सो हियर वी आर दैट एबायोटिक एनवायरनमेंट इज द फिजिकल एनवायरनमेंट. इट इंक्लूड्स एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल एंड लैंड. इट इंक्लूड्स ऑल फिजिकल फैक्टर्स. मीन्स के एबायोटिक एनवायरनमेंट में हमारे पास लाइक हम इसे फिजिकल एनवायरनमेंट भी कहते हैं. वाई? बिकॉज नॉन लिविंग थिंग जितनी भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, लाइक जो एग्जिस्ट करती हैं और हम उन्हें देख सकते हैं, दैट इज़ फिजिकल. जो कि स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आ रहा है, लाइक उसकी अपेयरेंस, दैट इज़ फिजिकल अपेयरेंस, फिजिकल एनवायरनमेंट. सो एयर, यू कैन नॉट सी द एयर बट यू कैन फील दैट देयर इज एयर प्रेजेंट. वाटर, लाइट, यू कैन सी, यू कैन टच. और वाटर को आप टच कर सकते हैं, लाइट को आप फील कर सकते हैं, लाइक देख सकते हैं बट टच नहीं कर सकते. टेम्परेचर आप फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते. सॉइल एंड लैंड आप उसे देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. सो ये सब क्या है, फिजिकल फैक्टर्स है. एज यू कैन सी द पिक्चर दैट वी हैव सॉइल, वाटर, रेन, विंड एंड सनलाइट. फर्दर एबायोटिक कंपोनेंट्स, लाइक एबायोटिक एनवायरनमेंट्स में हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं. द फिजिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट विच आर नॉन लिविंग हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स. द एबायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर क्लाइमेटिक फैक्टर एंड एडैप्टिव फैक्टर. मीन्स के एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या है, वो फिजिकल फैक्टर्स जो कि एनवायरनमेंट में एक मेजर इन्फ्लुएंस रखते हैं ऑर्गेनिजम्स पे. सो हमारे पास टू कंपोनेंट्स हैं एबायोटिक के, दैट इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड एडैप्टिव फैक्टर. आई विल टेल यू अबाउट फर्स्ट दैट व्हाट इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स. दैट क्लाइमेटिक फैक्टर्स कंसिस्ट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड स्नो, विंड, लाइट एंड ह्यूमिडिटी. क्लाइमेटिक फैक्टर्स किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है, टेम्परेचर दैट आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल ईयरली कितनी रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होती है, विंड, लाइट एंड ह्यूमिडिटी. लाइक जो सफोकेशन होती है, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर आता है एनवायरनमेंट में, एयर में, दैट इज. सो क्लाइमेट ऑफ एन एरिया इज द रिजल्ट ऑफ सेवरल फैक्टर्स सच एज लैटिट्यूड, एलिवेशन, नियरनेस टू द सी, मूनसून एक्टिविटीज एंड ओशन करंट्स. किसी भी एरिया का क्लाइमेट किस चीज़ के रिजल्ट है, वो सेवरल फैक्टर्स उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी असर करते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड, एलिवेशन, हाइट, एरिया सी से कितना नियर है, जैसे कि कराची, यू नो कराची में आपके पास सी व्यू है. सो बिकॉज ऑफ दैट सी वहाँ की जो एयर है वो मॉइस्चर है, यानी वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है.
मूनसून एक्टिविटीज़ यानी एयरली जो मूनसून रेनफॉल होती हैं दैट इज़ एन ओशन करंट के ओशंस की जो वेव्स हैं जो टाइड्स हैं उसमें जो एनर्जी फ्लो है वो उसमें डिपेंड करती है क्लाइमेट पे. देन वी हैव एडैप्टिव फैक्टर. एडैप्टिव फैक्टर और सॉइल फैक्टर्स आर पीएच मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल. एडैप्टिव फैक्टर क्या है? द सॉइल वेयर प्लांट्स ग्रो. सो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो सॉइल फैक्टर्स हैं उसमें हमारा पीएच यानी न्यूट्रलिटी कितनी है, मिनरल्स कितने हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स और टेक्सचर यानी सॉइल सॉइल जो टेक्सचर है वो क्या है. सो एडैप्टिव फैक्टर में ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं. सॉइल इज अ मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर इन ऑलमोस्ट ऑल द लैंड इकोसिस्टम. और सॉइल एक मेजर सोर्स है न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर का ऑलमोस्ट सारे लैंड इकोसिस्टम में. ओके, नेक्स्ट भी है बायोटिक एनवायरनमेंट. इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस लाइक प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वी कैन सिंपली से प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग एनवायरनमेंट मीन्स के बायोटिक एनवायरनमेंट में क्या है, इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं लाइक प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्हें हम सिंपली दूसरे वर्ड्स में प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमारा जो बायोटिक एनवायरनमेंट है इसे हम लिविंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं. देन वी हैव बायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या है? द लाइफ कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कंप्राइज प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई. दे कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस एंड बेस्ड ऑन देयर रोल दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स. लाइफ कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम जैसे कि प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई. ऑल लाइफ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कैरी डिफरेंट फंक्शंस और इनको जो हम क्लासिफाई करते हैं वो थ्री मेन ग्रुप्स पे करते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर. हेयर यू कैन सी द पिक्चर दैट बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, बायोटिक एनवायरनमेंट क्या है. जैसे ट्रीज प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो हेयर वी हैव फर्स्ट प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स आर मेनली ग्रीन प्लांट्स एंड हैव क्लोरोफिल. दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. एज इन द प्रीवियस क्लासेस आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट खुद बनाते हैं. यानी प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो प्रोड्यूसर हमारे पास मेनली जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ग्रीन प्लांट्स हैं बिकॉज उनके पास क्लोरोफिल होता है. और क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंटेशन. और प्लांट कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस बिकम द फूड फॉर द अदर बायोटिक कंपोनेंट्स इन द एनवायरनमेंट. और इसकी वजह से दूसरे बायोटिक कंपोनेंट्स जो एनवायरनमेंट में उनको उनका फूड मिलता है. प्लांट्स आर आल्सो और प्रोड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं. इसका मतलब है ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है? दोज हु मेक देयर फूड बाय देयर ओन. वो जो अपना फूड खुद बना सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. ओके, देन वी हैव कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स आर लिविंग थिंग्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड हैंस दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड. दे रिलाय ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स. They are also called as heterotrophs. Means consumer कौन होते हैं? Consumers are those living things जिनके पास chlorophyll नहीं होता और वो अपना food खुद नहीं बना सकते. Means they are dependent on other animals, other organism for their food. वो organism जो कि दूसरे organism पर depend करते हैं food के लिए. They rely on the producer their food requirements. और वो producer यानी plants पर depend करते हैं food requirements को fulfill करने के लिए. इसलिए इन्हें हेटरोट्रॉप्स कहते हैं. यानी वो जो कि अपना फूड खुद ना बना सकते हो बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हो. एज यू कैन सी द पिक्चर दैट दीज आर लाइक लाइन है, टाइगर है, दे आर कंज्यूमर्स क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स.
Now here we have types of consumers. So first we have herbivores or primary consumers. Herbivores and primary consumers. They are also called first order consumer. इन्हें हम क्या कहते हैं? First order consumers. Because they eat the producers of plant. Examples are cattle like cow, goat, deer, rabbit, giraffe, zebra. Means ये सब क्या है? ये first order consumers हैं. Because ये producer of plant को eat करते हैं. और इनके example क्या है? Like cow, goat, deer, rabbit. And in the picture you can see that the giraffe and zebra. They are also herbivores. Then next we have secondary consumers or primary carnivores. They are also called second order consumer. First order or second order का मतलब क्या है? I am talking about the food chain. Food chain में herbivores first order है और then हमारे पास second order consumers हैं जिन्हें हम primary carnivores भी कहते हैं. They eat herbivores. So secondary consumers क्या हैं? वो herbivores को eat करते हैं, यानी उनका जो food है वो उनको herbivores से मिलता है. Examples are snakes, cats, foxes. Example क्या है? जैसे कि snakes हैं वो दूसरे animal को eat करते हैं, foxes हैं, cat है, they are carnivores, means meat eater. Then we have third, the tertiary consumers. They are also called third order consumers. They feed on secondary consumers. They are large carnivores. Example is wolf. Like they are called third order consumer means के ये वो carnivores हैं जो कि secondary consumer पर depend करते हैं. इन्हें हम large carnivores भी कह सकते हैं because like you have seen the wolf in the TV in the geography channel. So wolf क्या है? वो दूसरे बड़े animals को खाते हैं. So that's why इन्हें हम large carnivores कहते हैं. And the last we have quaternary consumers. They are also called fourth order consumer. They feed on secondary consumer. They are very large carnivores and feed on tertiary consumers and are not consumed by other animals. Examples are lions and tiger. Means quaternary consumers वो हैं जिन्हें हम fourth order consumers कहते हैं. ये secondary consumers पर depend करते हैं और ये टर्शरी कंज्यूमर से भी लार्ज कार्निवोर्स होते हैं बिकॉज ये टर्शरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड करते हैं और इन एनिमल्स को दूसरे एनिमल कंज्यूम नहीं कर सकते, मीन दूसरे एनिमल इनको ईट नहीं कर सकते. एग्जांपल्स आर लायंस एंड टाइगर्स. मींस लायंस एंड टाइगर्स, लियोपार्ड, ये जो एनिमल्स हैं ये वो एनिमल्स हैं जिन्हें कोई दूसरे एनिमल्स ईट नहीं करते. सो दैट्स व्हाई ये फूड चेन में लास्ट पे आते हैं क्योंकि ये इनको कोई और नहीं खा सकता बल्कि ये दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं. इन पर कोई भी डिपेंड नहीं करता, लाइक इनको कोई भी ईट नहीं कर सकता. सो अगेन आई एम टेलिंग यू द हर्बीवोर्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन वी हैव टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड देन क्वार्टनरी कंज्यूमर. सो दीज फोर ऑल द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स. Then we have decomposers. Like decomposers called as saprotrophs are mainly microorganisms like bacteria and fungi. Decomposers को saprotrophs भी कहते हैं, like जो के organism को break down कर देते हैं in the organic matter or simple compounds. इसलिए इन्हें saprotrophs कहते हैं. और ये mainly कौन से क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई. द डेड ऑर्गेनिक मटीरियल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर देयर फूड. और इनका फूड क्या है? डेड ऑर्गेनिक मटीरियल्स ऑफ प्रोड्यूसर, यानी कि प्लांट्स जो कि डेड हो जाते हैं और कंज्यूमर्स जो कि डेड हो जाते हैं, ये इनका फूड है. दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इंटू सिंपल कंपाउंड्स ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस. और ये ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल कंपाउंड्स में अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस. मेटाबॉलिक जैसे कि अभी आपको यू कैन सी द पिक्चर हाउ फॉक्स इज डीकम्पोजिंग. ये फॉक्स जो है वो डीकम्पोज हो रही है. व्हाई? दिस इज़ आर डेड फॉक्स. ये फॉक्स जो है वो डेड हो चुकी है. सो दैट्स व्हाई अब इसकी बॉडी किस तरह से डीकम्पोज होगी, लाइक बैक्टीरिया फंजाई
ग्रेजुअली इसकी बॉडी को डीकम्पोज कर देंगे एंड वन डे यू विल नेवर सी द बोन्स ऑफ इवन द बोन्स ऑफ द फॉक्स. मीन्स एक दिन ये इस तरह से डीकम्पोज हो जाएगा कि आपको फॉक्स की बोन्स भी नज़र नहीं आएंगी. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिंग. देन वी हैव फूड चेन. अ फूड चेन इज एन आइडियल मॉडल ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम. अ फूड चेन हैज थ्री मेन ट्रॉपिक लेवल्स सच एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर. सो नाउ यू कैन ईजली अंडरस्टैंड अबाउट द फूड चेन. दैट दे आर सेइंग कि फूड चेन एक आइडियल मॉडल है फ्लो ऑफ एनर्जी का इकोसिस्टम में. मीन्स कि इस फूड चेन के थ्रू आप समझ सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर किस तरह से डिपेंड करता है. हमारे पास फूड चेन की थ्री मेन ट्रॉपिक लेवल्स हैं जिन्हें हम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स कहते हैं. द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल इज़ वेरी लो. जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो हर लेवल में लो होती है. वाई? बिकॉज द शॉर्टर द फूड चेन द ग्रेटर विल बी द एबिलिटी ऑफ फूड. मीन्स जितनी फूड चेन छोटी होगी उतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का चांस ज़्यादा होगा. अ टिपिकल फूड चेन इन अ फील्ड इकोसिस्टम माइट बी. मीन्स एक जो टिपिकल फूड चेन है वो हमारे पास क्या है इकोसिस्टम में. लाइक फर्स्ट यू हैव प्रोड्यूसर दैट इज ग्रास. देन यू हैव प्राइमरी कंज्यूमर्स दैट इज हर्बीवोर्स. बिकॉज ग्रास होपर ओनली ईट ग्रास. ग्रास होपर जो है वो मीट नहीं खा सकता, वो सिर्फ प्लांट खा सकता है. इसलिए इसे हम प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बीवोर्स कहते हैं. देन वी हैव फ्रॉग. व्हाई फ्रॉग? बिकॉज फ्रॉग जो है वो ग्रास भी खा सकता है और ग्रास होपर भी. इसलिए इसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं. बट स्नैक ओनली ईट फ्रॉग. स्नैक प्लांट ईटर नहीं है, वो सिर्फ मीट ईटर है. इसलिए इसे हम टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं. एंड इन द नेक्स्ट वी हैव हॉक. हॉक यू कैन से दैट कि हॉक जो है वो कॉटनरी कंज्यूमर है क्योंकि हॉक को कोई नहीं खा सकता. व्हाई? बिकॉज दे आर फ्लाइंग एनिमल. दे आर फ्लाइंग बर्ड. वो फ्लाइंग बर्ड है, वो खुद से डिकम्पोज हो जाता है यानी डेड हो जाते हैं. बट इनको इन पर डिपेंड करना किसी भी एनिमल के लिए मुश्किल होता है. सो दिस इज़ अ टिपिकल फूड चेन. नाउ वी हैव फूड वेब. फूड वेब आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड आर इंटरलिंक एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल. फूड वेब जो हैं वो फूड चेन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं बिकॉज इसमें इंटरलिंक होते हैं डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल. वाई? लाइक यू कैन सी दिस पिक्चर. इसमें आप देखें आपके पास डिफरेंट टाइप की फूड चेन्स हैं. जैसे कि आपके पास ग्रास है, ग्रास के बाद आपके पास ग्रास ऊपर है. ग्रास ऊपर स्पाइडर खा सकता है, स्पाइडर को ईट कर सकता है. स्पाइडर को फ्रॉग खा सकता है और फ्रॉग को स्नैक खा सकता है. फ्रॉग जो है वो प्राइम मेंटेनेंस खा सकता है और जो है वो स्पैरो को खा सकता है. इट्स मीन कि एक ही फूड चेन में हमारे पास एक ही फूड वेब में हमारे पास डिफरेंट फूड चेन्स होती हैं. लाइक हम अगर उनको लीनियर फॉर्म में बनाएं तो हमारे पास बहुत सारे फूड चेन्स बन जाती हैं. सो इसे हम कहते हैं दैट इंटरलिंक एट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल. दिस मीन दैट ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन वन ऑल्टरनेटिव फॉर फूड एंड हैंस सर्वाइवेबिलिटी इज बेटर. मीन्स के फूड वेब में ऑर्गेनिज्म के पास ऑल्टरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं फूड के, तो सर्वाइवेबिलिटी भी ज़्यादा होती है. अ मोर रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ ईटिंग हैबिट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ फूड वेब. मीन्स एक रियलिस्टिक डिपिक्शन जिसमें हम अपनी ऑर्गेनिज्म की ईटिंग हैबिट्स को इकोसिस्टम में बता सकते हैं, इसे हम फूड वेब कहते हैं. थैंक यू. होप यू कैन अंडरस्टैंड माई लेक्चर. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क. वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम.